इधर देखिए, मध्य प्रदेश में जहां 10वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो रही है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो रही है, जो 31 मार्च तक चलेगी। 2 तारीख से 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी, जो 24 मार्च तक चलेगी। परीक्षा का समय छत्तीसगढ़ में सुबह 9 बजे से 12:15 बजे तक रखा गया है। इस दौरान 12वीं बोर्ड में करीब 3,30,000 छात्र परीक्षा देंगे, तो 10वीं की परीक्षा में 3,40,000 छात्र शामिल होंगे। बता दें, छत्तीसगढ़ में अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और इस खबर पर बातचीत करेंगे हम रायपुर से, हमारे साथ संवाददाता गौरव शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं। गौरव, आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, क्या तैयारियां वहां चल रही है? जी देखिए, बिल्कुल तैयारियां अंतिम चरण पर है। 9 बजे का वो वक्त होगा जब तमाम 12वीं क्लास के बच्चे जो हैं वो अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचेंगे और सुबह 9:15 बजे से परीक्षा देना शुरू कर देंगे। आज हिंदी पेपर, सामान्य हिंदी की परीक्षा है और सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। यदि हम बात करें तो कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद अब पेपर जो है वो ऑफलाइन होगा और स्कूलों तक अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुँच कर जो परीक्षार्थी हैं वो अपने परीक्षा कॉपी जो है उसमें अपना उत्तर देंगे और परीक्षा देंगे। यदि हम पूरे प्रदेश भर में बात करें तो 2408 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 50 से अधिक संवेदनशील केंद्र जो है वो परीक्षा विभाग ने, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किए हैं और तैयारियां पूरी है। आज से 12वीं की पेपर है और कल से यदि हम बात करें तो कल से 10वीं का पेपर रहेगा। 10वीं का पेपर 2 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगा और कल हिंदी का पहला पेपर रहेगा जो 10वीं का भी है। तो कहीं ना कहीं एक उत्साह जो है बच्चों में वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार ऑनलाइन पेपर देने और जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं देने के बाद से उन्हें कहीं ना कहीं वो अपने आप को इस तरीके से पेपर से वंचित पा रहे थे, लेकिन एक बार फिर से अब ऑफलाइन जब पेपर होगा तो इसे लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। यदि माध्यमिक शिक्षा मंडल की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भी अपने तरीके से तैयारियां पूरी कर ली है। उड़नदस्ता गठित किया गया है और परीक्षा केंद्रों में बाकायदा वहां पर जो जिला शिक्षा अधिकारी है उन्हें वहां पर जाकर निरीक्षण करने के लिए भी निर्देशित किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से नकल प्रकरण जो है वो स्कूलों से निकल कर ना आए, क्योंकि लगातार जो कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर नकल बड़ी तेजी से किया जाता है, छात्र जो रहते हैं वो वहां पर नकल सामग्री लेकर पहुंचते हैं। तो शुरू से ही जो है पूरी तरीके से तैयारी करने की बात कही गई है। स्कूल के प्रवेश के अंदर, केंद्रों तक प्रवेश के पहले ही सब बच्चों के जांच करने का आदेश दिया गया है। प्रवेश पत्र देखना है, यदि कोई बच्चा प्रवेश पत्र नहीं ला पाता है तो उसे अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो तैयारियां पूरी है, बस अब इंतजार है तो 9 बजे का, जब बच्चे परीक्षा केंद्र तक पहुंचेंगे और 9:15 बजे से अपना उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव इस बातचीत के लिए। हमारे साथ गौरव जुड़े और छत्तीसगढ़ में देखिए परीक्षा केंद्र अलग अलग बनाए गए हैं, 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है, इसको लेकर क्या तैयारियां की गई है, क्या दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तय किया है, ये हमारे सहयोगी ने हमें बताया। और इस बीच